24 अप्रैल 2020 ये वो तारीख थी जब भारत के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उनकी जायदाद का पक्का प्रमाण देने के लिए एक नए प्रयास का शुभारंभ हुआ। गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। ये है नया भारत, जहां गांवों को भी मिल रही है तकनीक की ताकत, जो गांव वासियों का जीवन सरल बना रही है। स्वामित्व में कोर्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक साइट का 5 सेंटीमीटर तक सही आकलन करती है, जिससे ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में सटीक जियो स्टैंप डालना संभव हो पाता है। इसीलिए पैमाइश के पुराने तरीके चेन बेस्ड सर्वे के स्थान पर अब कोर्स का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन फ्लाइंग से लेकर प्रॉपर्टी कार्ड बनने में अधिकतम 9 महीने का समय लगता है, जबकि पुराने सर्वे में लोगों को सालों साल अपने मालिकाना हक के लिए इंतजार करना पड़ता था। लाखों ग्रामीण संपत्ति धारकों को मिले उनके पक्के मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड ने इस बात को साबित भी किया है। प्रॉपर्टी कार्ड सिर्फ मालिकाना हक का एक सबूत नहीं, बल्कि राज्यों के राजस्व विभाग, ग्राम पंचायतों और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय व अन्य सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग की मिसाल है, तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। और हर संपत्ति विवाद को ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाने और जन जन को भरोसे में लेकर की सहभागिता के कारण पारदर्शिता का एक पर्याय बन गया है। ये जायदाद का वो पक्का प्रमाण है जिससे संपत्ति की खरीद फरोख्त भी आसानी से हो सकती है, समय आने पर जिसके आधार पर बैंक से कर्ज भी मिल सकता है, और कोई भी बाहुबली किसी मजलूम की संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता। संपत्ति का पक्का अधिकार देकर गांव के जन जन को सशक्त करने के लिए थाम कर स्वामित्व की डोर, आओ चले ग्रामोदय की ओर।